आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 328वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार रेलवे के अपडेट आपको देते आ रहे हैं, रेलवे में किस तरह से काम हो रहा है, किस गुणवत्ता का काम हो रहा है। चूंकि अभी यहाँ रेलगाड़ी आरंभ नहीं हुई है, इसलिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर रेलवे का काम कराया जा रहा है। देखिए यहाँ शेड ये तैयार हो रहा है, शेड आपको तैयार होता हुआ दिख रहा होगा। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधा के लिए इस शेड को बनाया जा रहा है, और शेड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक नीले रंग की टी शर्ट पहने एक वहां पे श्रमिक आपको दिख रहा होगा। श्रमिक हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, श्रमिक के द्वारा कोई सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी हुई है, सुरक्षा के कोई उपाय उसके द्वारा नहीं किए गए हैं। इस तरह से काम चल रहा है, और यहाँ अगर इस तरीके से काम चल रहा है तो सुरक्षा मानक बनाने का औचित्य क्या है। इसके साथ ही यहाँ हम आपको दिखा दें कि आप देखिए एक एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये भौमा की तरफ जाने वाला रास्ता, छोटे छोटे शेड, और यहाँ पर एक बड़ा शेड भी बनेगा। और बड़ा शेड बहुत बड़ा तो नहीं, लगभग ये कहा जाए कि अभी हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा शेड बनेगा। जैसे ये तीन शेड बने हुए हैं, ऐसा एक शेड इस तरफ और एक शेड उस तरफ, ये शेड एक ही है, पर इस शेड को हम तीन शेड में काउंट, जैसा रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया, ये तीन शेड में इसको काउंट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको अगर यहाँ देखेंगे सीढ़ी पर ये चढ़ रहे हैं, हेलमेट नहीं है, सुरक्षा जैकेट नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के घर का काम चल रहा हो, सरकारी काम की बजाय किसी के घर पर काम कराया जा रहा हो, इस तरीके का यहाँ प्रतीत हो रहा है। ये देखिए अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये शेड बन रहा है, यहाँ से ऊपर जो भी पानी आएगा पानी इसके रास्ते नीचे आएगा और यहाँ से पाइप के जरिए पानी चला जाएगा। ऐसे लगभग यहाँ जो बन रहे हैं ये नाली खोदी जा रही है, नाली खोदने के साथ ही ये यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी ऊपर से पानी आएगा और पानी आने के बाद उस पानी को ये जो पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला पाइप, इस पाइप के जरिए पानी ऊपर का जो भी शेड से इस तरफ से आएगा, इसके जरिए पानी यहाँ से निकलकर और नाली के अंदर से पाइप जाएगा। ये जो एक ये वाला पोल और ये वाला पोल, ये ऐसा एक शेड, इतना बड़ा एक शेड, एक दो और ये तीसरा शेड यहाँ दिख रहा है, ऐसे जो तीन शेड यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे एक शेड उस तरफ भी बनेगा और ऐसा ही एक शेड इस तरफ, अर्थात ये तीन और एक चार और उस तरफ वाला मिलाकर पांच शेड यहाँ पर बन जाएंगे। रेलवे फुट ओवर ब्रिज की क्या स्थिति है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रेलवे फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 21 अगस्त रविवार का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, अभी इसमें ढलाई आरंभ नहीं हुई है। 21 अगस्त 2022 ढलाई यहाँ होगी, इसमें ढलाई होने के बाद, इसमें जब ढलाई होगी, ढलाई होने के बाद फुट ओवर ब्रिज तैयार होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सूत्रों का कहना है, सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह भी बताया, संभवतः 24 अगस्त बुधवार को संभवतः यहाँ पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी का ट्रायल किया जाएगा, ये डीआरएम कार्यालय के सूत्रों ने बताया। और डीआरएम स्वयं उस रेलगाड़ी में उपस्थित रह सकते हैं, पर चूंकि यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत, जो सूत्रों का कहना यह है कि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर जो सामने आ रही है, वो सामने ये आ रही है कि ये जो भौमा की तरफ जाने वाला हिस्सा है, सिवनी में रेलवे स्टेशन के बाद जो ये टर्न के बाद भौमा की तरफ जो ट्रेन जाती है, तो यहाँ से लेकर लगभग
जो गहरा नाला के आसपास तक इतने कर्व से इतने टर्न्स हैं कि वहाँ पर जो भी ट्रेन है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बरकरार नहीं रख पाएगी। वो ट्रेन को वहाँ 40, 50, 60 या 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ चल पाएगी। इसलिए सूत्रों का कहना है कि वहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड के जो वो लगे हुए हैं, मैक्सिमम स्पीड अधिकतम स्पीड कितनी होगी, ऐसे आपने देखा होगा कि गोल गोल पीले रंग के गोल बोर्ड लगे होते हैं जिसमें कहीं 70, कहीं 60, कहीं 90 इस तरीके का लिखा होता है। और जहां पर भी इस तरीके का लिखा होता है उस स्पीड में ड्राइवर के लिए वो संकेत होता है कि उस स्पीड में ट्रेन वो चलाते हैं। हमने आपको पिछली बार भी दिखाया था, ये देखिए यहाँ पर अभी भी ये सेटल होकर सेटलमेंट आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, यहाँ गड्ढा दिख रहा होगा क्योंकि कंपैक्शन नहीं हुआ है। बारिश जैसे ही होगी, यहाँ पर बारिश होती है और बारिश होने के साथ ही आप ये पूरा का पूरा ट्रैक यहाँ आपको बैठा हुआ, माफ कीजिएगा ट्रैक नहीं, यहाँ पर प्लेटफॉर्म आपको बैठा हुआ नजर आ सकता है। तो हम आपको जो बता रहे थे कि इसके बाद सूत्रों का ये कहना है कि जहां 90 या 100 की स्पीड के वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं उन बोर्ड को निकाल कर अलग कराया जा रहा है, रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया। इस बारे में अब पुष्टि किससे की जाए, ना ही यहां पर रेलवे के स्टेशन मास्टर जो हैं वो बात करने को तैयार हैं, ना ही रेलवे के DRM इस बारे में कुछ बोलने को तैयार होते हैं, ना ही यहां पर जो काम का अधीक्षण सुपरविजन कर रहे हैं डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर, वे ही कुछ बोलने को तैयार होते हैं। तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती हैं उन खबरों को ही अब तक आपके पास तक आपके संज्ञान में लाना हमारी मजबूरी है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की मजबूरी है। फुट ओवर ब्रिज का काम अभी भी जस का तस आधा अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ कोई देखने बोलने सुनने को तैयार नहीं है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी लगभग एक साल से ज़्यादा समय हो गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है, उन्होंने भी इस तरफ आना मुनासिब नहीं ही समझा है। सिवनी का रेलवे स्टेशन है, सिवनी में 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगा हुआ था, 1 दिसंबर 2015 के बाद पटरियां उखड़ गई थी। आज 21 अगस्त 2022 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 सात बरस हो चुके हैं, लगभग 7 साल के बाद भी यहां ट्रेन नहीं चल पा रही है। मेगा ब्लॉक लगने के बाद भी दो दो सांसद बदल चुके हैं, 2015 जो एक सांसद थे, उसके बाद 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद दूसरे सांसद आ गए, दो दो सांसद बालाघाट के, चूंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। मंडला संसदीय क्षेत्र में भी दो सांसद आ चुके हैं, मंडला संसदीय क्षेत्र के केवलारी में FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए रैक पॉइंट पर ट्रेन आ चुकी है, एक जो सब मालगाड़ी गुड्स ट्रेन आ चुकी है। सिवनी का रैक पॉइंट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस घटिया गुणवत्ता का बना हुआ है, सिवनी में किस मंथर गति से काम चल रहा है। केवलारी में रैक पॉइंट पर ट्रेन आ चुकी है, सिवनी में रैक पॉइंट अभी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। आखिर क्या वजह है कि सिवनी में रैक पॉइंट भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है, रेलवे स्टेशन पर जो भी काम चल रहा है वो गुणवत्ता को बलाए ताक पर रख कर किया जा रहा है, आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, ये समझ से परे है। इतनी धीमी गति से काम क्यों कराया जा रहा है, इस बारे में भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 328वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना सुबह 7 बजे इसका प्रसारण होता है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोज पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 329वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।